नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नारायण है। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पे। आज मैं जा रहा हूं उज्जैन महाकाल जी के दर्शन करने के लिए। इसके पहले मैंने 5 ज्योतिर्लिंग कवर किए हैं, ये मेरा 6ठा ज्योतिर्लिंग है। वहां पे और 2 चीज़ें हैं, जैसे कि महाकालेश्वर कॉरिडोर और इंदौर, भोपाल और MP में काफ़ी सारे हिंदू देवस्थान है, वो भी मैं ट्राई करूँगा कवर करने के लिए ये जर्नी में। ये जर्नी जो है केवल 2 दिनों की है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा ये सब कवर करने के लिए। तो जो मेरी जर्नी शुरू होगी वो आज रात को 9:30 बजे बोरिवली स्टेशन से मेरी ट्रेन है अवंतिका एक्सप्रेस, जो कल पहुँचेगी 7:30 बजे उज्जैन। ठीक है, तो रात को मिलते हैं 9:30 बजे बोरिवली स्टेशन पर। तब तक के लिए हर हर महादेव। तो दोस्तों, फाइनली मैं जो है बोरिवली स्टेशन पहुँच गया हूँ। ये सारे लोग हैं जो हमारे साथ यात्रा में साथ है, तो टोटल हम 25 लोगों का परिवार है, देख लीजिए। एक ऐसा एक अद्भुत अनुभव होने वाला है, बने रहे आप वीडियो में हमारे साथ। 9:25 हो गए, 9:24 का ट्रेन था जो अभी तक आया नहीं है प्लेटफॉर्म पे, जो यहाँ पे नॉर्मल है। ट्रेन बहुत ऐसे कम है जो टाइम पे आते हैं। ये लॉन्ग जर्नी है तो एक पानी का बॉटल ले ही लेता हूँ। पानी का बॉटल तो नहीं। तो ये फाइनली ट्रेन अराइव हो गई है। S3 में मेरा कोच है, RAC है टिकट, कोई बात नहीं, जैसे भी टिकट मिले, भोलेनाथ ने बुलाया है तो सब संभाल लेंगे, उन पे सब छोड़ देते हैं। ट्रेन में चढ़ गए हैं, बहुत रश है, थोड़ा देर रुक जाते हैं। ये देखिए सारे लोग अभी भी सेटल्ड हो ही रहे हैं, होने दीजिए इनको सेटल, हम शांति से अपने जगह पे चले जाएंगे। फाइनली मुझे मेरा सीट मिल गया है, 39 है, और यहाँ से मेरा जर्नी जो है अभी बिगन होगा। आप में मिला है, लेकिन कोई बात नहीं, चले जाएंगे, जो बोले आपकी इच्छा। उज्जैन स्टेशन आ गया है और हम लोग उतर गए हैं। 7:30 को ये ट्रेन पहुंची है, जो राइट टाइम थी, निकली तो लेट थी लेकिन टाइम पे पहुंचा दिया, तो एक अच्छी बात है। आप मेरे पीछे भीड़ देख सकते हैं कितनी सारी है, पूरी ये जो ट्रेन थी यहाँ पर ही खाली हो गई है। बहुत सैटरडे भी है तो बहुत सारे भाविक आए हैं महाकाल के दर्शन लेने के लिए। आप पीछे देखिए पूरी ट्रेन यहाँ पे ही खाली हो गई है। तो ये रूम की व्यवस्था जो है वो हो गई है, बड़े लड़के के 2 रूम लेने पड़े क्योंकि बहुत सारे फैमिलीज हैं हम लोग के साथ में, तो हो गया। मतलब एक डॉर्मेटरी मिला है और एक नॉर्मल रूम मिला है। कॉस्ट अराउंड पर पर्सन जो है एक दिन का 500 रुपीज़ जा रहे, तो हम लोगों ने 2 दिन के लिए बुकिंग कर लिया है यहाँ पे। तो ये वो होटल है रॉयल इंडिया करके, आपको अंदर से भी मैं इसका रूम के बारे में सब बताऊँगा, पूरा चेक करेंगे कैसा है करके। टोटल हमने ऐसे 2 रूम लिए थे, एक महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए, तो सब जो है मतलब गर्म पानी की सुविधा वगैरह सब मिल गया था आपको। ये मैं टोटल कॉस्ट जो है वीडियो के एंड में दूंगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा कि कितना यहाँ पे खर्चा हुआ। ये जो मेन डोर है महाकालेश्वर मंदिर का, जो मेन द्वार है वो यहीं से शुरू होता है। शंकर भगवान की एक बड़ी ऊंची सफ़ेद कलर की शिला है, जैसे आप एंट्री करते हो वैसे ये आपको दिखाई देगा सामने। एक मिनट, यहाँ पे तो ड्रिल चल रहा है आर्मी वाले का, देखते हैं। बहुत मतलब बहुत अच्छा एटमोसफियर है, आप फिर पीछे देख सकते हो, बहुत लोग दर्शन लेके रिटर्न जा भी चुके हैं। यहाँ पे ओम नमः शिवाय का संगीत बज रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है कानों को सुनने। मैंने सुबह जैसा आपको बताया था कि जो उज्जैन की ट्रेन आई थी उसके अंदर ऑलरेडी बहुत सारा जो पब्लिक था, जो भाविक थे, वो यहाँ पे ही आए हैं। आप देख सकते हो बहुत मतलब बहुत यहाँ पे रश है। अभी पता नहीं ये जो दर्शन का जो लाइन है उसमें कितना समय जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, अब आगे बढ़ते देखते। अभी यहाँ पे आप देखेंगे ना आगे, यहाँ पे देखिए आप, ये मार्केट है, यहाँ से आप कुछ भी ले सकते हो।
यहाँ पे प्रसाद पूजा का सब सामान मिलता है, सब लाइन से यही दुकानें हैं। ये देखिए आप ये भाविकों की गर्दी देखिए, बहुत सारे भाविक अलग अलग शहरों से यहाँ पे आए हैं। महाकालेश्वर जो ज्योतिर्लिंग है, शंकर भगवान उनका एक स्वरूप है, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक, उसके दर्शन लेने के लिए। देखिए आप कितनी भीड़ है यहाँ पे, बहुत लोग हैं, बहुत लोग दर्शन करके जा चुके हैं और बहुत लोग दर्शन करने जा रहे हैं। मॉर्निंग आई गए 5:30 बजे की जो काकड़ आरती होती है, तब से भाविक यहाँ पे आए हुए हैं। देखिए आप बहुत, मतलब बहुत भीड़ है यहाँ पे। तो यहाँ से हमको लेफ्ट में जाना है। यहाँ पे भी कुछ, जैसे यहाँ पे लेफ्ट लेते हो तो वहाँ से भी यहाँ पे आपको पूजा की सामग्री वगैरह मिल जाएगी। बहुत, मतलब बहुत रश है यहाँ पे। सैटरडे बहुत लोगों को छुट्टी है, कल भी शायद बहुत रश हो, मंडे को तो अभी सावन का महीना चल रहा है तो और भी हो सकता है इसमें रश हो। बहुत सारे लोग आए हैं दर्शन लेने के लिए, अच्छा लगता है ऐसे प्लेसेस पे आके। बहुत लोग जो है भोलेनाथ के भक्त हैं, इंडिया में नहीं पूरे विश्व भर में। देखिए आप बहुत, मतलब बहुत लोग हैं यहाँ पे। अभी दर्शन कितने बजे तक होगा, क्या होगा, देखते आगे बढ़ते रहेंगे। अभी ये शायद जो है मेन द्वारे, मैं आपको बताता हूँ, अभी ये शायद मेन एंट्रेंस है जहाँ से हम दर्शन के लिए जाएंगे। देखिए बहुत, मतलब बहुत रश है, सिक्योरिटी भी अच्छी है। मैंने काफ़ी जगहों पे जब भी एंट्रेंस गेट पे भी देखा था, सिक्योरिटी का प्रबंध काफ़ी अच्छा है यहाँ पे। अभी चेक करना पड़ेगा लाइन एग्जैक्टली कहाँ से शुरू होती है दर्शन के लिए। ये देखिए, ये देखिए, फाइनली मुख्य द्वार मिल गया है, देख लीजिए। तो यहाँ से एंट्री होती है आगे, यहाँ से आप लाइन में आते हो और मेरा ग्रुप शायद आगे चले गया है, मुझे तो जल्दी जल्दी चलना पड़ेगा। अच्छा बनाया है इन लोगों ने, इंफ्रास्ट्रक्चर शायद नया कुछ किया है। बाहर भी जैसे हमने एंट्री मारी थी तभी हमने देखा था कुछ ऐसे स्तंभ बनाए जा रहे हैं, मतलब शायद हो सकता है आने वाले 1-2 सालों में कुछ नया देखने मिले यहाँ पे। मेरे पीछे मैं आपको दिखाता हूँ, खुशी होती है सब देख के कि इतने सारे भक्त हैं महाकाल, बहुत अच्छा लग रहा है। छोटे बच्चे से लेके बूढ़ों से लेके जवान से लेके सब लोग, ये महाकाल का फेस बहुत अच्छा है, बहुत, मतलब बहुत अच्छा है। देखिए इतने यंग लोग भी हैं, मतलब मानना पड़ेगा बहुत सही है। बहुत, मतलब बहुत रश है यहाँ पे, शायद 2 घंटे जा सकते हैं ऐसा मुझे लग रहा है, देखते हैं। तो हर शहर के कोने से पब्लिक आया, मेरे फॉरनर्स को भी देखा कुछ बाहर, वो भी आए थे, दिखेंगे हमको इन बिटवीन यही लाइन से जाए। शायद हो सकते हैं VIP दर्शन करें जिसका रेट 250 रुपये है। और थोड़ा आगे बढ़ना है, आपको मैं दिखाता हूँ अंदर की तरफ से। सुन रहे हैं आप, महादेव महादेव महादेव। अंदर की तरफ देखिए, हम लोग अंदर की तरफ जा रहे हैं। बच्चे की खुशी देख रही है, बहुत सही है, अलाउड नहीं है। देखिए कितना लाइन है यहाँ पे, पूरे बेसिस क्लियर करके जाने होंगे, आगे बढ़ते हैं देखते कितना टाइम लगेगा यहाँ पे।
तरह से बहुत है हमारे पास, आज का पूरा दिन है। सुविधा रखी है जो काफ़ी अच्छा है। देख सकते हैं फाइनली हम मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं, ये शायद लास्ट लैप हो। ये अभी हम जो ज्योतिर्लिंग है उसके बराबर सामने खड़े हैं। अभी ये जो मुख्य द्वार है उसके आगे ही थोड़ा जाके आप देख सकते हैं, जहाँ से हमने एंट्री किया था वहाँ से ही हम बाहर निकले। दर्शन हुआ लेकिन एक्चुअली मैं वहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं था तो मैं कुछ कैप्चर नहीं कर पाया। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम हम देखते हैं। हम लोग दर्शन करके बाहर तो आ गए लेकिन बहुत थक गए हैं, तो सोचा ये जो माता जी हमको नींबू शरबत पिला रही है तो देखते हैं कैसा है, टेस्ट करके बताते हैं हम आपको। नींबू पानी जो है इसका टेस्ट मस्त है। ये जो माता जी हमारे पीछे इन्होंने बनाया है और ये फुल सर्विस दे रही है, आपको ट्राई करना चाहिए। मैं ऐसे यहाँ पे चला आया था देखने के लिए कि पास का लाइन में कैसा सिस्टम है करके, तो मैं यहाँ पे आके थोड़ा परेशान हो गया कि लोगों ने 250 रुपये का पास लिया है लेकिन लास्ट 3 घंटे से लाइन ही नहीं ली, आप देख सकते हो ये। और हम लोग नॉर्मल लाइन में जाके आए और हमारा आधे घंटे में दर्शन हो गया। फ़र्क सिर्फ इतना था कि हमको दर्शन जो है ज्योतिर्लिंग का ऊपर से करने मिला और ये जो पास का लाइन है वहाँ से आपको 10 फुट पास से करने मिलता है। लेकिन अगर पास लेके भी आपको इतना टाइम लग रहा है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप प्लीज़ जो है डायरेक्ट लाइन में जाइए, अगर आपका कोई प्लान्स नहीं है तो। ठीक है,